अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको खमन ढोकली की रेसिपी बता रही हूँ। बेसन से तो बहुत इजीली बन जाते हैं, मगर मैं आज आपको चने की दाल के बता रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के होता है इसमें, लेकिन ये बनते बहुत टेस्टी हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली थी, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया है और अब इसका मैंने पूरा पानी निकाल के मैं इसे बारीक पीस लूँगी। बारीक से मतलब थोड़ा सा दरदरा रखूँगी इसे, मैं ऐसे पीस लूँगी। तो मैं आपको इसको पीस के बताती हूँ। देखिए मैंने दाल पीस के रखी है, ये 2 कटोरी दाल ली थी मैंने, तो मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने से क्या होगा, इसमें बहुत अच्छे से खमीर उठ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे 7 से 8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दूंगी, या अभी थोड़ा ठंडा का मौसम है तो थोड़ा सा मैं हल्की धूप में रख दूंगी मैं इसे, ताकि ये अच्छे से फॉर्मेट हो सके। तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ, फिर इसके बाद की स्टेप मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे मैं ढक के अच्छे से रख रही हूँ गर्म जगह पर। देखिए दाल मैंने पीस के जो रखी थी, इसे 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। बैटर को बस इतना ही ऐसा ही रखना है, ज़्यादा पतला करना नहीं करना है हमको। देखिए मेरे पास इडली स्टैंड है, इडली का पॉट है, इसमें इडली भी बनते हैं और ढोकले की प्लेटें भी आती हैं इसमें बनाने के लिए। तो इसमें पानी गर्म करने रख रही हूँ, ये नीचे तक मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने रखा है इसका। जब ये पानी अच्छे से भाप हो जाएगा तो हम स्टीम लगाएंगे ढोकले के अंदर। साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल भी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए तेल और अभी नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम खाने का सोडा या मीठा सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, वो ऐड करेंगे। लेकिन हम जब हमारी स्टीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी, पॉट बिल्कुल तैयार हो जाएगा और अच्छे से भाप निकलने लग जाएगी, तब हम फ़ौरन से ऐड करके हम इस प्लेट में डाल देंगे बेटर, और फिर हम कुक करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसको ग्रीसी कर लेती हूँ। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा कम कर देती हूँ और उधर में बैटर डाल देती हूँ। पानी जब अच्छे से खोने लगे तो हम ये खाने का सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून है। अब इसको अच्छे से मिलाइए। मैं इसको बेटर को डाल दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा इसको खाली रखने की है प्लेट को, ताकि जब ये फूलेगा तो ये प्लेट को पूरा कवर कर ले। देखिए प्लेट इसके अंदर रख दीजिए, ये एक प्लेट में, ये दूसरी प्लेट रख रही है। आँच को तेज़ कर दीजिए, वैसे 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर दीजिए ढक्कन लगा के। देखिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा कुक हुआ कि नहीं हुआ कम्प्लीटली। तो एक छुरी लीजिए और सेंटर में डालिए, अगर छुरी वापस से क्लीन आती है समझिए कि कुक हो चुका है। ये देखिए छुरी बिल्कुल क्लीन आई है, तो ये कुक हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद इसके किनार पर थोड़ी सी नाइफ लगाएंगे और इसे प्लेट में पलटेंगे।
तभी काटिए जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तो ये मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए ठंडा कर देती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी अब गर्म नहीं है। अब मैं इसे आपको निकालना बताती हूँ चारों तरफ से। पहले किनार हटा लीजिए, देखिए निकल चुका अच्छे से बिल्कुल। अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए मैंने सब पीसेस इसके कट कर लिए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल जाली बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनाए। देखिए अब हम इसमें बघार लगाते हैं। देखिए एक कढ़ाई में हमने थोड़ा तेल गरम करा है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें राई डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका, अब इसमें हम 1 चम्मच करके राई डालेंगे। साथ में हम ये कुछ करी पत्ते डालेंगे और ये हमने इसे थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए पानी के बाद हम इसमें ये 2 चम्मच शक्कर डालेंगे और इसके अच्छे से पका लेंगे ताकि चाशनी अच्छे से बन जाए। मिर्चियाँ सॉफ्ट हो जाएं और ये शक्कर अच्छे से इसमें घुल जाए। ये थोड़े हम मीठे वाले बना रहे हैं इसलिए, और अगर आप अगर मीठा वाला पसंद नहीं करते हैं तो पानी और शक्कर ना डालें, बस डायरेक्ट राई हरी मिर्च और करी पत्ते का बघार लगा दें। अब कर दी हम गैस बंद। अब हम हमारे ढोकले पे हरा धनिया डालेंगे। साथ ही हमने जो बघार रेडी किया है ये भी डालेंगे। बहुत मज़े के ढोकले बने हैं, बहुत स्पंजी ढोकले बने हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए कंप्लीट ढोकले रेडी है।